स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रयोग को, एक ऐसे मंत्र को आपको देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की ऐसी समस्या रहती है कि कुछ ऐसा बताइए जिससे घर में कई तरह की समस्या होती है, किया कराया, तंत्र बाधा, काम ना बनना, बार बार काम बनते बनते फेल हो जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपस में लड़ाई झगड़े चले रहते हैं घर में, कुछ ना कुछ उपद्रव चला रहता है, या कोई बीमारी ऐसी है जिसका कोई पता नहीं लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार घर में रहते हैं, क्योंकि वो तंत्र की ही जो है कुछ क्रिया के कारण होता है, या आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, किसी ने कोई क्रिया कर दी है, तो बहुत सा इलाज करते हैं लेकिन जो है आपको कोई फायदा नहीं होता है, उन्नति नहीं हो पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, कोई कार्य कर रहे हैं उसमें साथ नहीं मिल रहा है। ये सब कार्य केवल एक ही इस मंत्र से होगा। बहुत सी चीजें ऐसी है वनस्पति तंत्र के अंदर, यदि आप उसको करते हैं तो देखिए जो प्रकृति होती है वो सबसे फास्ट कार्य करती है, सबसे जल्दी कार्य करती है, तभी तो आपने देखा होगा तंत्र या यंत्र मंत्रों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और मंत्र भी ऐसे है कि शाबर मंत्र है वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। और आज हम जो है आपको मंत्र दे रहे हैं ये बंगाली विद्या, बंगाली तंत्र जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड है और गुरुमुखी है। और कोई भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसको पूर्ण श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। एक प्रयोग और था वो मैं कुछ दिनों में आपको डालूंगा, पीछे मैंने डाली भी थी वो वीडियो, लेकिन कुछ लोगों ने उसका जो है सही उपयोग नहीं किया, हमें कुछ ऐसा लगा, तो उसका जो है इफेक्ट पड़ जाता है कई बार गलत। काक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें आप किसी भी जीव को अपने पास बुला सकते हैं। जैसे कौवों को आपने बुलाना है, उनको आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय या मछलियाँ या चिड़िया। लेकिन इसमें क्या किया कि कुछ लोगों ने उसका जो है मिसयूज़ कर दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने यूज़ कर दिया उसको मछलियों के लिए, मछलियों को बुला दिया और फिर उनको मार जाते हैं, तो उससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है। प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको जो मंत्र दे रहे हैं ये बहुत ही, ये देखिए ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, इसको आपको जागृत करने की या सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, फिर भी यदि आप इन मंत्रों को जागृत करना चाहते हैं तो होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण काल, कुछ विशेष जो दिन होते हैं उसमें आप इनको और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। ये जो प्रयोग है इसको कोई भी कर सकता है, बच्चा, लेडीज, जेंट्स, कोई भी, मतलब किसी भी उम्र के, इसमें कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें दिशा जो है दिशा पूर्व रहेगी और लाल आसन पे आप बैठ जाइए और आपको जो है इस मंत्र को जो हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपको इस मंत्र को 31 बार पढ़ना है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, ताकि जो ऊर्जा है पूरी सातों चक्रों में जो है समान बिल्कुल जाए। 31 बार इस मंत्र को पढ़े, हथेली आगे रखे, जैसे ही एक बार पढ़ा और अपने ऊपर से, ऊपर सिर से नीचे तक पांव तक एक बार
टच कर दिया, उतार दिया, फिर वैसे 31 बार जैसे ही आप पढ़ेंगे उसके बाद 5 बार आपको हथेली को नीचे जो है ज़मीन पर लगाना है, थपकी मारनी है नीचे, ठीक है। उसके बाद उठ जाइए, आप खुद देखेंगे जब आप इस मंत्र को करेंगे, इस प्रयोग को करेंगे, तो इतना भयंकर, इतना पॉजिटिव आपको रिजल्ट इसका मिलेगा कि आप खुद बोलेंगे, आप खुद यहाँ पे आएंगे वीडियो पे और खुद आप कमेंट करेंगे, आज नहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, लेकिन आप ज़रूर जो है एक बार कमेंट करने आएंगे कि हाँ हमने इस प्रयोग को किया और हमें फ़ायदा हुआ। जो भी कुछ होगा वो उसकी हर चीज़ की काट हो जाएगी और आपके सारे कार्य बन जाएंगे, कोई भी बाधा जीवन में आपके नहीं रहेंगी। मेरा मैं कह रहा हूँ आपको, आप स्वयं आएंगे कमेंट करने इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करो, 21 दिन करो या 41 दिन करो, समसिद्ध है, और आपको पूर्ण जो है सुरक्षा मिलेगी, पूर्ण। एक बार आप करके देखिए, और बाकी इसमें कुछ बंधन है, यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में, लेकिन हाँ इसको करने से पहले एक बार आप जो है हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, ऐसे ना करें, हमसे एक बार कांटेक्ट करें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हमारी टीम आपसे बात करेंगी और आपको कुछ निर्देश देंगे आपके नाम के हिसाब से, आपके स्थान के हिसाब से, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।